हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। बस आज का व्लॉग सब स्टार्ट करते हैं तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी, क्योंकि कल हमने व्लॉग स्किप कर दिया था। सॉरी, बहुत सारे मैसेजेस आए कि क्यों व्लॉग नहीं बनाया, हम मिस कर रहे हैं सब लोग। हम भी मिस कर रहे थे हमारे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स को, लेकिन नहीं बना पाए। मैंने बहुत सारी ट्राई की लेकिन नहीं हो पाए। सुबह सुबह शुरुआत भी कर दी थी लेकिन फिर से डाउन हो गया तो नहीं बना पाए। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी कि मूड बन पाए इतना, तो कल कर दिया था स्किप। तो बस आज हम फिर से आए हैं आपके सामने और फिर से मचाएंगे। और अभी सुबह का हमारा पहला काम है हेज को उठाना। चलो हेज को उठा दे, क्योंकि हेज को उठने में ही आधा घंटा निकल जाता है। रेडी होने की बात तो अलग ही है। और हाँ, दूसरी एक बात और भी थी कि कल हेज को स्कूल में बहुत ही ज़्यादा रोना आया था, तो इसके वजह से भी थोड़ा मूड नहीं था हमारा। क्योंकि क्या, इतनी रोई थी जाने के टाइम कि मुझे घसीट के ले जाना पड़ा हेज को, और छः स्कूल तक रोई। गाड़ी में बैठी तब तक भी रोई, स्कूल तक भी रोई, और वहाँ जाके तो वो घर पे आके बोली थी कि मैं चुप हो गई थी। तो बस कल का दिन भूल जाते और आज से नई शुरुआत करते हैं, और आज से फिर से मचाएंगे हम आपके साथ। तो चलो अभी हम हेज को उठा देते हैं। हेज, गुड मॉर्निंग कानू। गुड मॉर्निंग बिटू। गुड मॉर्निंग, उठो चलो। अभी क्या है, हेजू को सुबह सुबह ट्यूशन से वापिस आके स्कूल, तो थोड़ा हेजू का शेड्यूल भी हेक्टिक हो गया है, साथ ही साथ मेरा शेड्यूल भी इतना हेक्टिक हो गया है, तो टाइम मैनेजमेंट में भी थोड़ा इधर उधर है। क्या है कि अभी नया नया है तो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता, तो इसलिए थोड़ा हो रहा है। लेकिन आप लोग समझ जाते हो, ये समझ ही जाओगे। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए कि कोई बात नहीं, ब्लॉग नहीं डाला तो हम समझ सकते हैं आपकी कोई मतलब कि प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा, लेकिन ऐसी कोई सीरियस बात थी नहीं। तो बस थोड़ा तबीयत का इशू था। गुड मॉर्निंग कानू। हूँ अहियाँ सूती थी, तू अहियाँ सूती थी, तू मने बहुत तारा हाथ ने पग ने बधू मारती थी, एटले पछी हूँ दूर जती रही तारा थी। ये जो जब यहाँ पे सोती है ना, तो ये वाला पैर यहाँ पे डालती है, फिर से यहाँ पे डालती है, ऐसे ही सोती है। पूरा बेड इसको को ही चाहिए अकेली को, और मैं तो यहाँ पे कॉर्नर में ही पड़ी रहती हूँ, है ना इसको, है ना। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हेजू का बेड यहाँ पे बनाए, यहाँ पे एक दूसरा बेड बना दे, और एक कंप्यूटर की जगह हमें बदलनी पड़ेगी, तो यहाँ पे दूसरा बेड बनाने का प्लान है। यहाँ पे बनाएंगे या यहाँ पे बनाएंगे, फोल्डिंग वाला बनाएंगे ताकि वो फोल्ड हो जाए और अच्छी तरह से रूम भी क्लीन हो। अभी मैंने बहुत सारा कंटिन्यू कर दिया है। चलो अभी मिलते थोड़ी देर बाद पापा को, मम्मी को, हार्दिक भाई को, कि वो सब अभी अपना सुबह का रूटीन काम में बिजी है, तो अभी हम मिलते हैं सबको, है ना हेजू। तब तक हम रेडी हो जाते हैं ना बेटा, है ना, है ना। हेजू यहाँ पे रेडी हो गई है ट्यूशन जाने के लिए, है ना हेजू, रेडी। स्कूल है केम नथी जाऊ केम पण प्रॉब्लेम शू छे मने ध्यान ना ते जाऊ ध्यान ना ते डान करो त्या ध्यान ना ते डान करो डांस नथी करो दिया ना करो तो नहीं करवानू तने ना मन होय तो કહેવાનું મેમ મને નથી ઈચ્છા તો હું નહીં કરું તો મેમ કાઈ ખી જાય નહીં ત્યાં તને જે ગમે ને એ કરવાનું ના ગમે નહીં કરવાનું ઓકે ओके जाइस ने आजे प्रॉमिस केवी रीते जवानो ते काल मन प्रॉमिस करी थी ना हूं स्माइल करता करता जाइस से मना ना दे रहा तो रड़ता रड़ता जवान मना ना दे रहा आदि रोज एम के मने स्कूल जाऊ तू रोज काल काल करे बेटे अबे काल नो दिवस ज छे पछि सैटरडे संडे तो हॉलिडे और पापा भी यहाँ पे रेडी हो गए। पापा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो सुविचार बता दीजिए। आज का सुविचार है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाएगी। अच्छा, तो खुद पर ही भरोसा रखना है। खुद पर ताकत रखो। कल का जैसा नहीं। क्या कल का जैसा पापा? कल क्या किया आपने? हार्दिक भाई के ऊपर भरोसा रखा, इसीलिए व्लॉग नहीं बना। तो वो ऐसा तो होता है, लेकिन खुद पर भरोसा रखो तो ताकत बन जाती है।
लेकिन कभी कभी वो ताकत थोड़ी कम पड़ जाती है ना। कोई बात, कल बिजी था थोड़ा इसीलिए नहीं बना। और हार्दिक भाई तो अभी सो रहे, रोज हम सलाह देते लेकिन अभी इतनी सो ही रहे। मम्मी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुद को खुद की फर्ज समझ के करना चाहिए। हाँ, अभी हार्दिक भाई के मन में आ नहीं रहा है कि मैं फर्ज अपनी निभाऊ। छोटा है ना, आले आले अभी कब बड़ा होगा वो पा। ये छोटा है तो छोटा ही रहेगा। हाँ भाई बहनों में तो छोटा ही है। दादा छोटा नहीं, हेजू छोटी छे। हमारे घर में दो ही बच्चे है, हेजू और हार्दिक भाई। क्योंकि बच्चा है हार्दिक भाई, बच्चा तो वो ऐसा कर रहा है तो फिर बोलना ही पड़ेगा ना। अभी उठेंगे, आ जाओ, उठ गए, गुड मॉर्निंग। पापा ने बोला आप हार्दिक भाई के भरोसे बैठे इसलिए कल व्लॉग नहीं आ पाया। मेरा भरोसा क्यों? तो मुझे लगा शुरुआत तो मैंने कर दी थी ना व्लॉग की। 40 सेकंड व्लॉग लिया था, उसमें मैं क्या रखू। 40 सेकंड में एडिट करूँ तो 20 सेकंड आएगा। शुरुआत कर दो, इसलिए वैसा ही आज स्विच ऑन दे दिया। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी, और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन। टुक में ओवरऑल हार्दिक भाई बोल रहे हैं रोज सुबह आपको बनाना है तो बनाते ही रहो, मेरे पे मत रहो क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगा। ओवरऑल ऐसा ही निकलता है जो खेल है। हाँ तो मैं बनाऊंगी, रोज ट्राई करूंगी। हेजू का ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो हेजू चलो। अत्यार त्यार जवान हूँ, चलो 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 चलो, बाय बाय। ले बेटा बाय बेटू, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। अभी हेजू को दुख ट्यूशन जाने का दुख नहीं है, लेकिन ट्यूशन से वापिस आने के बाद स्कूल पे जाना पड़ेगा वो थोड़ा दुख है। तो अभी 2-3 दिनों से यही हो रहा है। मम्मी बोल रहा है कि पातली पड़ी जा श्याम ने रे है ना मम्मी। दीकरी टेंशन में पातली पड़ी है, खाती है ना थी ना दिया। कल तो ऐसे नहीं थी टाइम खाया था, दोपहर को एक रोटली खाई, शाम को भी नहीं खाया और सुबह सुबह भी थोड़ा दूध पिया है। परी छे बाय बेटा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो कल हम लोग गए थे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, बैंक में से हम लाया था फ्री कूपन, जो मम्मी के अकाउंट में 750 रुपीज और पापा के अकाउंट में से 750 रुपीज, टोटल 1500 रुपीज का फ्री में मिला था। तो हम फ्री का शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो क्या क्या लाए वो मैं दिखाती हूँ। तो ये डजन ग्लास लाए कांच के, वो अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। और ये बाउल लाए जिसमें हम राइस बनाते हैं, इसमें हम प्लास्टिक का ढक्कन वाला बाउल लाए हैं क्योंकि ये हमारे हाथ से फूट जाता है। और बहुत सारे मग लाए हैं, ये वाला एजू के लिए है। और ये दो फ्री में मिला है, 1500 की खरीदी पर ये दो फ्री मिला है। और इसमें से मैं बता देती हूँ, और हार्दिक भाई को भी यस ये वाला है हार्दिक भाई के लिए, जो हार्दिक भाई ने अपने लिए पसंद किया था। और ये है पापा का टॉवेल। पापा तुमने क्या लाई गयो? हाँ, सूरत नेशनल बैंक है कोट सफेद रोड पे। हाँ, उसमें हम दोनों सभासद है। हाँ, उसका गिफ्ट वाउचर था। हाँ, धीरज संस के ऊपर साईं स्टोर है साईं। हाँ, उसमें से लाया। अच्छा हाँ, तो इतनी डिटेल मुझे नहीं मालूम थी। हाँ, लेकिन हमें तो फ्री का कूपन मिला था तो हम लेने के लिए चले गए। और फ्री का ये वाला कैसे था? अब वो तो जब भी सभासद थे उसमें से गिफ्ट वाउचर मिला, वो फ्री है। हाँ, तो ऐसा कुछ था। तो अभी हम ये वाला ग्लास लाए है जूस का, एक कप फ्री दिया। हाँ, आप फ्री आए पो, दोनों दो कप फ्री आए। और ये हेजू का और हार्दिक भाई का लिया, और अच्छा। जयदीप का फ्री में हम यूज कर लेंगे। ओके। क्योंकि वो साथ में नहीं थे तो अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हुआ। और आपका टॉवेल और कुछ लाए थे मम्मी? लाया था रबर। रबर में क्या बताना। तो बस 1500 का फ्री कूपन था और 1500 की हमने एक्स्ट्रा खरीदी की, तो टोटल हमने 3000 की खरीदी की। और घर का परचूरन सामान, चाय लानी थी, टूथपेस्ट लानी थी, वो सब 3000 का बिल किया, 1500 फ्री और 1500 का हमने पे किया। तो बस कल कुछ ऐसा ही था। चलो अभी एजू ट्यूशन चले गए। और पापा कुछ बोलना चाहते है क्या? पापा अभी सर्वोदय बैंक में भी मेरा सेफ सर्टिफिकेट है। हाँ, जा रहा हूँ, उसमें क्या मिलने वाला देख रहा हूँ।
હા તો બાપા આપણે હમણાં ફ્રી માં લેવાનું બહુ મજા આવે પૈસા આપવા કર હા એમાં બહુ મજા આવે ફ્રી માં જ્યારે પૈસા ના હતા ત્યારે જ્યારે ઇન્વેસ્ટ કર્યું ત્યારે 1000 રૂપિયા 5 લાખ જેવા લાગતા હા એ સમય એવો હતો પણ જો ફ્રી કી ચીઝે મિલતી હૈ ને બહુ અચ્છા લાગે બહુ સારી સબ્જી લેતે હૈ લેકિન ઉપર સે જો ધનિયા મિલતા હૈ ના ઉસમે અરક બહુ જ્યાદા હોતા હૈ તો ફ્રી કી ચીઝે અચ્છી લગતી હૈ અમારી માતાજી બોલતી થી બેટા નાનપણ નું નાણું અને શિયાળાનું છાણું સાચું ઉભલું બા એમ કેતા અચ્છા ઓકે એ સબકે લાગુ પડતા હૈ યસ પડતા હૈ પડતા હૈ તો નાણું છાણું સાચવીને રાખવાનું હાર્દિકભાઈ બહુ વાપરવાનું નહીં અમારે ઘર મેં જયદીપ ઓર ભૂમિકા દીદી દોનો કે હાથ થોડે જ્યાદા હે પ્રોફેસર પપ્પા એ એટલે કીધું બોલા તમે 4000 ના ચપ્પલ લેવા તા ને એમાં કીડીઓ ચડી ગઈ એમાં ઓ જો ગમ લગાયા ને ઓ મીઠા હે મીઠી વસ્તુ 4000 કે ચપ્પલ મે ગમ ભી મીઠા લગાયા થા તો ઇસમે ચીટિયા ચડ ગઈ ચપ્પલ આ તો ઉસમે નહીં હા 200 કે ચપ્પલ કોઈ ચોર ભી નહીં લે જાતા ચીટિયા કે નાનપણથી ભેગો કરો ત્યારે ગોડા થાય ને ત્યારે કહેવાનું જો આ નાનપણ નું નાણું ભેગું કરેલું અત્યારે કાંઈ ભાવે છે એસી રીત મેં અમારા જીવન આનંદ એલઆઈસી હૈ ઠીક હે જીવન આનંદ મેં ક્યા હૈ 15 સાલ કા ઉનકા પીરિયડ હૈ પૈસા ભરને કા 15 સાલ પૂરા હોને કે બાદ પૈસા મિલ જાતા હૈ બોનસ મિલ જાતા હૈ ફિર પોલિસી ચાલુ રહેતી હૈ વો 70 સાલ તક चालू रहता है 70 साल के बाद आपको चाहिए तो उठा सकते हो नहीं चाहिए तो आपके हमारे डेथ के बाद आपको मिलेगा उसमें दाड़ा बाड़ा वगैरह कर सकते हो अच्छा ऐसा ही कुछ आता है बहुत सारी अभी तो पॉलिसी सब बैंक वो सब निकालती है तो भाइयों के लिए जीवन तरंग लिया हाँ जीवन तरंग हाँ जीवन तरंग में क्या है वो उनकी पीरियड है ना तब तक भर देता हाँ। और बाद में 1.5 लाख का इंश्योरेंस हार्दिक का है तो 8500 एवरी ईयर मिलेगा अच्छा जब तक जिंदा रहेगा तब तक पापा ने तो आज पूरी पॉलिसी बना बता दी आपको तो आप लोगों को भी इन्वेस्ट करना हो तो कर सकते हो और ज्यादातर इंक्वायरी भी करके थोड़ा सेव कर सकते हैं और एडवर्टाइजिंग नहीं है तो हमने किया है तो पापा बता रहे तो नानपण नु नाणू थोड़ुक साचवो तो सारू भेज का स्कूल का टाइम हो गया लेकिन इसको जाना आज भी नहीं है रोज की तरह सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है चलो चलो रोता रोता ना जावा बेटा स्माइल करी ने जावा चलो बाने जय श्री कृष्ण के हेजु जय श्री कृष्ण करो चल मां चलो तन चॉकलेट ले दे चल 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 तो गाइस अभी बजे 11:15 और हमारी ड्यूटी आ गई है किचन में आज का खाना है परवर की सब्जी और रोटी और रेजू रोते रोते ही ट्यूशन गई है मेरे कपड़े पकड़ लिए थे छोड़ ही नहीं रही थी लेकिन मैम ने वहाँ से ले लिया मेरे हाथ से पता नहीं अभी रोती होंगी या चुप हो गई होगी अभी रेजू स्कूल से एकदम खुशी खुशी वापस आई थी और रेजू आज मैम ने क्या दिया तुम्हें हाथ पे क्या दिया था ओके मजा आया स्कूल पे मजा आया ना अभी रोएगी नहीं ना जाएगी तब पक्का कल जाएगी ना पक्का प्रॉमिस ओके तो मम्मी यहाँ पे भजन माला लेके बैठे हैं तो भजन हम सुनने वाले हैं आज तो अच्छा वाला कुछ एजू थोड़ी बार ना चला बेटा बाप भजन गए ने હા હમણાં તો મમ્મી ફરમાઈશ ઉપર જ ઉતરી ગયા છે ઘણા ટાઈમ પહેલા યાદ પછી વચ્ચે ભૂલાઈ જાય યાદ આવી જાય એટલે ગાઈ લેવાનું હા હેજુ થોડી વાર નો ચલા બેટા આમાં પાછળ બેકગ્રાઉન્ડ માં અવાજ આવે ઓકે 5 મિનિટ ઉભી રહે ગાઓ મમ્મી અરે તારા નામ સે હજાર કયા નામે લખવી તંકો તરે હે રોજ રોજ બદલે કામ કયા ગામે લખવી કંકો તરી
कोई तने राम कहे, कोई तने श्याम कहे, कोई कहे नंदनो किशोर, कया नाम लखवि कंकोतरी मथुरा मा मोहन ने गोकुल मा गुवाणियो हे द्वारका मारा इराणा छोड़ा कया गामे लखवि कंकोतरी। ओके मम्मी थैंक यू। अभी कोई आया है लेकिन हमारे घर पे नहीं है, बाजू के घर में है। हाँ कोई ढूंढ रहा है किसी का घर। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करवा दो प्लीज जल्दी जल्दी। सो बेटा ये अंकल बेटा कोई ना घर छोड़ता था, यानी जाऊँ ऐसे कोई ना घर। चलो बाय कह दे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मौज मौज। बाय 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 बाय।